ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 20 सितंबर से 26 सितंबर 2021 का। आने वाला सप्ताह आपको कैसे प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूँगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए बात करते हैं जो ये सप्ताह आ रहा है, ग्रहों की क्या स्थितियाँ हैं, कौन कौन से प्लैनेट अभी कहाँ से गोचर कर रहे हैं। राहु की जो स्थिति है अभी वृषभ में है, सूर्य मंगल और बुध के साथ में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र अपनी खुद की राशि में है तुला में, और वृश्चिक अभी वृश्चिक में केतु का गोचर हो रहा है, शनि और मंगल एक साथ वक्र स्थिति में मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये ग्रहों की स्थितियाँ हैं, कैसे आपके सप्ताह को इन प्रभावित करेंगे ये सारे प्लैनेट्स, तो आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके राशिफल को सुनेंगे तो आपको परिणाम काफ़ी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। देखिए, जो मेष वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये धन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए आय के स्रोत निर्मित होंगे, पैसों का लाभ आपको होगा, और ये लाभ आपको अपने बड़े भाई बहनों के माध्यम से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के द्वारा कुछ सपोर्ट लाभ की स्थितियाँ निर्मित हों, हर तरीके से आपके लिए सपोर्ट वाला टाइम पीरियड रहेगा। फाइनेंस की दृष्टि से शुरुआत आपके लिए काफ़ी मजबूत हो रही है। सप्ताह का जो मध्य पीरियड रहेगा, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने खर्चों को लेकर के सावधान होकर के रहिएगा, अनावश्यक व्यय होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके खर्चे होंगे, आप कोशिश करिए कि उनको कहीं पे निवेश कर सकें, उस दृष्टि से आपके लिए जो खर्च है फायदा देने का भी काम कर सकता है। सप्ताह मध्य के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड होगा, ये आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। आपको अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर सभी के द्वारा एक सहयोग की प्राप्ति होगी। काफ़ी आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान होना, इस तरह की स्थिति आपके लिए निर्मित होंगी, तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं या जो भी आपका घर का अंदरूनी सुख है, उन सभी क्षेत्रों के प्रति आप थोड़ा सा सजग होकर के रहिएगा, किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले जो सप्ताह है आप लोगों के लिए, कुल मिलाकर के आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव की ओर भी संकेत कर रहा है। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, इन सारे क्षेत्रों में कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आने वाले सप्ताह में। तो कार्य को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा सा आप सतर्क होकर के रहिएगा, चीज़ें आपके पक्ष में जा सकती हैं, इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, वहाँ पर आपकी नेम फेम, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बनेगा। किसी तरह का प्रमोशन या इस तरह की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ जो सप्ताह मध्य पीरियड रहेगा, वो आपके लिए हर एक तरह से आय के योग निर्मित करेगा। तो कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वो आपके लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। पैसों की वृद्धि होते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है। सप्ताह मध्य होते होते कुछ खर्चों के प्रति आपको सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक व्यय के योग आपके लिए अवश्य बनेंगे। तो खर्चों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर के रहना है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए फिजूल खर्च करने का कारण बन जाए, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि पैसे आपके अनावश्यक व्यय नहीं होने पाए। इसके अतिरिक्त जो भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए, आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित और आपके जो पिता हैं, आपका भाग्य है, इन सभी क्षेत्रों में कुछ सडन चेंजेस भी आपको दे सकता है, कुछ बदलाव होने के भी संकेत मिल रहे हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के आप केयरफुल होकर के रहिएगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये कुछ यात्राएं दे सकता है जो कि आपकी एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं या कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण इवेंट रहेगा। हालांकि पिता के साथ में अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ में वैचारिक मतभेद या एक तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, तो पिता से अनावश्यक वाद विवाद बहस नहीं करिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा, वो आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी आपका व्यवसाय है या जहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ पे लोगों को आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। कार्मिक उन्नति के योग बनेंगे। हर तरह से आपके लिए पद प्रतिष्ठा,
लोगों का सहयोग, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए धन लाभ लेकर के आ सकता है, कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंस की प्राप्ति होगी, पैसों की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों के साथ में, जो आपके हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ में संबंधों में आपकी काफ़ी मजबूती होगी। उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। सप्ताह मध्य होते होते थोड़ा सा आप खर्चों के प्रति सावधान रहिएगा, नवशक में होने के भी संयोग बनेंगे, तो खर्चों को लेकर के थोड़ा आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जितने भी मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, एक तो आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाइएगा, और कोई महत्वपूर्ण बदलाव मत लीजिएगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। उस तरह से, उस दृष्टि से टाइम पीरियड जो रहेगा कुल मिलाकर के थोड़ा सा बदलाव वाला, फेरबदल वाला बना हुआ है। तो कोई भी कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना है या कोई महत्वपूर्ण चेंजेस आपको करने हैं, तो उनको काफ़ी देख परख करके ही करिएगा। पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ में जो आपका संबंध है, इन सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कि आप अपने आप को मेंटली इमोशनली थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करना होगा उसके लिए समय आपके पक्ष का नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को देख परख करके ही करिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत सपोर्टिव नहीं है। सप्ताह की शुरुआत के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, कुछ जर्नीस वगैरह आपको दे सकता है, लेकिन पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनसे किसी तरह का वैचारिक मतभेद नहीं होने पाए, इन चीज़ों के प्रति आपको सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। कर्क लग्न राशि वाले लोग जो हैं, सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का कार्य करेगा। कार्य व्यवसाय, धन लाभ के योग निर्मित होना, इन सारे दृष्टियों से टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग है, तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। सप्ताह मध्य से जो आपका समय शुरू होगा, आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी प्रोग्रेसिव है, तो एक अच्छी स्थिति रहेगी। बड़े भाई बहनों का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, जो भी आपके अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों के द्वारा आपको काफ़ी सपोर्ट की स्थितियाँ मिल लेंगी, तो इन चीज़ों का कर्क वालों को फायदा लेना चाहिए। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी अलर्ट होकर रहिएगा। इन लॉज वगैरह के साथ में जो आपका संबंध है, उस दृष्टि से भी आपको थोड़ा सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। उसे किसी तरह का डिस्प्यूट, वाद विवाद होगा, उसको आप टालने का प्रयास करिएगा। हालांकि जो भाग्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, एजुकेशन से संबंधित चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। या एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहना है, संबंधों का ध्यान रखना है। उस कहीं ना कहीं उसे एक अनावश्यक डिस्प्यूट या उसकी हेल्थ में कुछ कमी आने आ सकती हैं, उनके प्रति आपको बहुत सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है कर्क लग्न राशि वालों के वाले लोगों को। फिर बात करते हैं तुला वालों, सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, ये आपके लिए अच्छा है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि देगा, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके लिए जो यात्राएं होंगी वो आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये एक अच्छी स्थिति है। सप्ताह मध्य होते होते थोड़ा सा आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उनको आप देख परख करके लीजिएगा, परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं रहेंगी। कोई भी बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो आप उसे टालने का प्रयास करिएगा, या बहुत ज़्यादा देख परख करके तभी कोई निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे समय इस तरह का रहेगा कि हो सकता है कि आपका निर्णय कुछ गलत हो जाए। इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, तो अपने खुद के मेंटल हेल्थ के प्रति आपको सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड है, कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है आप लोगों के लिए, जो कि धार्मिक हो सकते हैं, आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकते हैं, कुछ एजुकेशनल ट्रिप वगैरह आपके लिए हो सकती है, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जो भी आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, या जो आप जहाँ पर आप सर्विस करते हैं, लोगों का आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों में वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, ये आपको कॉम्पिटिशन पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। कोई भी अगर आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रखा है या आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा प्रयास करिए, और जी जान लगा दीजिए। स्वास्थ्य को आप थोड़ा लेकर के सजग रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ छुटपुट स्वास्थ्य से संबंधित आपको अचानक से कुछ तकलीफें या इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। बच्चों के साथ में जो आपका संबंध होता है, या जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपना बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए अपने पढ़ाई के प्रति। उसमें थोड़ा भी आप लापरवाही नहीं करिए। अगर आप पूरे एकाग्रता के साथ में पढ़ाई करते हैं, तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आगे चल करके सफल होने के योग बनेंगे।
ये एक समझने वाली चीज़ रहेगी सिंह वालों के लिए। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये कुछ यात्राएं दे सकते हैं। कोई पहले से चला रहा डिस्प्यूट वगैरह होगा, वो सुलझने के योग बनेंगे, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान होकर के रहना चाहिए। छिटपुट हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा, वो आपके जीवन साथी और आपके पार्टनर, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों का काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगा। कुछ जर्नीज वगैरह होंगी जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। पैसों का लाभ हो सकता है आपको, अपने बिजनेस के थ्रू आपको पैसों में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी चीज़ है। सप्ताह मध्य का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसके जस्ट बाद का टाइम पीरियड, वहाँ आप थोड़ा सा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं कि आप बेवजह आवश्यक एक चिड़चिड़ाहट वाली स्थिति में अपने आप को पाएं, या हर एक तरह से आप अपने आप के अंदर एक नेगेटिविटी फील कर सकते हैं। तो खुद के इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो देख परख करके लीजिएगा। वीकेंड का जो टाइम रहेगा, वो आपके लिए कुछ जर्नीज वगैरह ला सकते हैं। ऐसी यात्राएं जो कि हो सकता है धार्मिक यात्राएं हो, या कोई आपके एजुकेशन से जुड़ करके कुछ जर्नीज हो सकती हैं। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता के साथ में थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा। संबंधों का वहाँ पे टकराव हो सकता है। पिता से अनावश्यक आप वाद विवाद या बहस, इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाइएगा। ऐसी स्थितियाँ कन्या वालों के लिए बनेंगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, एक चीज़ और भी है। जो कन्या लग्न राशि वाले लोग रहेंगे, आप लोगों को सबसे ज़्यादा सजग होकर के रहने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, इन लोगों के साथ में जो आपका रिलेशनशिप है, उसको भी ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ सामंजस्य बना करके चलिएगा। उसे किसी भी तरह का अनावश्यक वाद विवाद ये सब चीज़ें मत करिएगा। बहुत ही फ्रेंडली आप उनके साथ ट्रीट करिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ जो आपकी ट्यूनिंग है, उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बेवजह हो सकता है कि कुछ आप बिना बात की बहस, या इस तरह की स्थितियां भी हो सकती हैं। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, मैरिज नहीं हुई है लेकिन किसी रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे भी अपने संबंधों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है कि बेवजह जो है आपका जो संबंध है पार्टनर के साथ में, उसमें कुछ डिस्प्यूट या खटास आ सकती है। तो इन चीज़ों के प्रति आपको बहुत सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही रचनात्मक मूड में आप रहेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट आपका हो जाएगा। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा संभाल करके चलिएगा। उनसे कोई वाद विवाद बहस मत करिएगा। बच्चों की तरफ से आपको हो सकता है कि कुछ निराशा मिले, या उनसे कुछ बहस, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। शुरुआत के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए कुछ सक्सेस लेकर के आ सकते हैं। ऐसी सफलताएं जो कि आपको कुछ पहले से डिस्प्यूट हो, कुछ पेंडिंग चीज़ें अटकी रही हों, वो आपकी पूरी हो सकती हैं। कोई किसी से वाद विवाद वगैरह रहा हो, वो सुलझने के योग बनेंगे। तो एक ये अच्छी चीज़ है तुला वालों के लिए। सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड आएगा, वहाँ पे आपके लिए कार्य व्यवसाय के दृष्टि से, बिजनेस से, ये सारे क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। कुछ पैसा वगैरह फंसा होगा, वो मिलने के योग आपके लिए निर्मित होंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। एक प्रगाढ़ता आपको देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी स्थिति है। वीकेंड के टाइम जो रहेगा, वहाँ पे थोड़ा आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर सकते हैं, या एक चिड़चिड़ाहट वाली जो भावना होती है, इस तरह के मूड में आप अपने आप को पा सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो पूरा सप्ताह है तुला वालों के लिए, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है आपके घर में, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो। इस तरह के से कुछ स्थितियाँ बनेंगी या सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं कि आप कुछ मेजर बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुला वालों के लिए टाइम पीरियड कुछ परिवर्तन भी दिखा रहा है। हालांकि जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए, अच्छा जाने का योग बनेगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी। आप स्वयं भी काफ़ी अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे, आत्मविश्वास की दृष्टि से भी, और हर एक तरह से आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। तो निर्णय भी जो लेंगे आप, काफ़ी हद तक आप अपने पक्ष में चीज़ों को कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, थोड़ा सा आप अपने परिवार के सुखों के प्रति सचेत रहिएगा। कुछ भी ऐसा आप मत करिएगा, इस तरह के कुछ भी ऐसा रिएक्शन आप मत दीजिएगा फैमिली के अंदर कि परिवार में कोई कलह वाद विवाद हो। माता के साथ में संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। उनके साथ कोई भी बहस, इस तरह की स्थितियाँ नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखना रहेगा आपको। मदर से डिस्प्यूट होने के योग बनेंगे। फैमिली के अंदर किसी तरह का वाद विवाद, जो टेम्परेरी कलह वाली स्थितियाँ होती हैं, ऐसी चीज़ों से अपने आपको बचा करके रखिएगा, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं।
इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, शुरुआत का जस्ट बाद का समय रहेगा, वो आपके लिए क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन जो बच्चे रहेंगे आपके, उस दृष्टि से समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। बच्चों के साथ वाद विवाद, मनमुटाव, या बच्चे आपका कहना नहीं माने, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा तालमेल बना करके चलिएगा बच्चों के साथ में। सप्ताह मध्य का जो टाइम पीरियड रहेगा, कुछ डिस्प्यूट से संबंधित चीज़ें रही होंगी, वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। तो एक अच्छी चीज़ है, कोई वाद विवाद वगैरह रहा होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में जा सकता है। अनावश्यक आप यात्राओं से बचाइएगा अपने आप को, और खर्चों से भी बचाइएगा। किसी से आगे बढ़कर वाद विवाद मत करिएगा। पीछे पीछे की चीज़ें आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगी, लेकिन आप स्वयं से किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वीकेंड जो रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित करेगा। तो एक अच्छी स्थिति है। कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है, पैसों का लाभ हो सकता है, यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनेंगी, वृश्चिक वालों के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, वृश्चिक लग्न राशि वाले, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, दो तीन चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत रहेगी। एक तो जो आपके सिबलिंग्स हैं, स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ में जो आपका तालमेल है, संबंध है, उसको बहुत संभाल करके चलिएगा। उनसे कोई वाद विवाद मत करिएगा। इसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। और साथ ही साथ जो भी आपका परिवार है, घर का अंदरूनी सुख होता है, उन चीज़ों के प्रति भी आपको सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। या जो लोग अपने घर पे रह रहे हैं, अपनी फैमिली के अंदर हैं, सारी चीज़ें उनकी अच्छी भली चल रही हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ अचानक से बदलाव आपको देखने को मिले, कि आप अपने घर से कहीं दूर चले जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपको अपने फैमिली फ्रेंड से चीज़ रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स, अवरोध होता हुआ दिख सकता है। तो इन चीज़ों के प्रति आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिएगा। भाई बहनों से कुछ अनावश्यक वाद विवाद नहीं हो। परिवार से कहीं दूर जाने की स्थितियां अगर आपके लिए बन रही हैं, तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली लीजिएगा। इस तरीके से करना रहेगा आपको। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो रही है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, या कोई भी आपका ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। बहुत ही अच्छी शुरुआत हो रही है धनु वालों के लिए। उसके जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, फैमिली फ्रंट पे आपको सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। घर के अंदर वाद विवाद नहीं होने पाए, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा बहस, इन चीज़ों से अपने आप को बचाइएगा। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उनसे भी अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि उनके साथ में आपके वैचारिक मतभेद होने के प्रबल योग बनेंगे। तो अपनी माता से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा, या उनकी बातों को आप बहुत ज़्यादा पलट के मत जवाब दीजिएगा। इस तरह की स्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अपने किसी भी रिएक्शन के द्वारा हो सकता है कि आप परिवार के अंदर कुछ वाद विवाद जैसी स्थितियाँ निर्मित कर लें, उन चीज़ों से आपको बचाना रहेगा। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, बच्चों के साथ थोड़ा तालमेल रखना है आपको। बच्चों से संबंधित जो इवेंट्स होंगे, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। उनसे अनावश्यक वाद विवाद या उनको किसी तरह का ऑर्डर देना, इन चीज़ों से आप अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि बच्चों के द्वारा आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके प्रति धन वालों को सजग होकर के रहना चाहिए। जो वीकेंड होगा वो आपके लिए हर एक तरह से कुछ सफलता के योग निर्मित करेगा, चाहे वो कार्य व्यवसाय हो या किसी तरह का छिटपुट आपका वाद विवाद वगैरह रहा हो, कुछ पेंडिंग चीज़ें रही हो, वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे धन वालों के लिए। ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो भी आपका परिवार है, कुटुंब है, या किसी से भी आप बात करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, तो चीज़ों को थोड़ा सा संयमित होकर के अपनी तरफ से आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसी संभावना बन सकती है कि जो आपका बातचीत करने का तरीका है या किसी चीज़ को कहने का जो ढंग है, वो ऐसा हो सकता है कि उसके कारण आपका लोगों के साथ में जो संबंध है, उसमें एक टकराहट या वाद विवाद हो सकता है, या आपके परिवार का जो सुख है, घर का जो घरेलू सुख होता है, आपकी बोली की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस, खलल पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए धनु लग्न राशि वालों के लिए। आने वाले सप्ताह में ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, ये औसत होगा। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आप खाएं कि आपके लिए वो नुकसान देने का कारण बन जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होगा, कोई चीज़ की शुरुआत करनी है, तो वो थोड़ा देख परख करके लीजिएगा। उसके लिए टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल नहीं है।
सप्ताह शुरुआत के बाद का जो टाइम पीरियड रहे वो आपके लिए लाभ लेकर के आएगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा, जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। नेबर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड, ऐसे सभी लोगों के लिए जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, सेल परचेज का काम है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए जो भी टाइम रहेगा काफ़ी लाभ देने का काम करेगा। उस पीरियड में कुछ जर्नीज भी होंगे तो आपके लिए फ़ायदा देने का काम करेंगे। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा वहाँ आपको थोड़ा सा ग्रेजुअली चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा, चाहे वो आपका फैमिली फ्रेंड हो चाहे बच्चों के साथ का रिलेशन हो। सप्ताह मध्य के बाद की जो स्थितियाँ निर्मित होंगी, सबसे ज़्यादा अपने परिवार के अंदरूनी सुखों को लेकर के सजग और सचेत होकर के रहिएगा। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, ऐसे रिएक्ट मत करिएगा कि परिवार के अंदर कुछ कलह विवाद झगड़े इस तरह की स्थितियाँ नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों के साथ काफ़ी सामंजस्य बना करके चलिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे आपका कहना न मानेंगे, जैसा आप उनसे कुछ होप करके बैठे हों उस तरीके से वो आपको परिणाम नहीं दें। तो बच्चों के साथ में काफ़ी आपको सामंजस्य बना करके चलना है, जो कि लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में होंगे मकर वाले लोग, तो हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर से भी इस तरह से मतभेद जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो अपने आप को बहुत पेशेंसली आगे ले चलिएगा, अपनी ओर से ऐसा कुछ मत करिएगा कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने पाए। इस तरीके से मकर वालों को समझना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, थोड़ा सा आपके अंदर हट्टीपन जिद्दीपन बढ़ सकता है, तो अपने एटीट्यूड का ध्यान रखिएगा। अपने परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो नहीं बिगड़ने पाएँ, बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्चे नहीं आने पाएँ, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जितने भी मकर लग्न और राशि वाले लोग हैं, हो सकता है कि जो लोग अभी अकेले हों, सिंगल हों, आप लोगों की लाइफ में विवाह के योग या किसी रिश्ते का आना, इस तरह की स्थितियाँ भी आप लोगों के लिए निर्मित होंगे। तो जो अनमेरिड लोग हैं उनको धीरे धीरे करके अपने मैरिज की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते आना शुरू हों, इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं। कुंभ वालों के लिए फिर बात करते हैं, तो आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा ये कुल मिलाकर के अच्छी शुरुआत होगी। काफ़ी आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, लोगों के दृष्टि में आ पाएंगे, आपका जो तरीका होगा रहन सहन का, ये सब चीज़ें काफ़ी मजबूत रहेंगी। तो आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा भी लाभ ले सकते हैं, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए शुरुआत में बनेंगी। जस्ट वीक शुरू होने के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, अपने खान पान के प्रति बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहिएगा। परिवार के अंदर हो सकता है कुछ खर्चे जैसी स्थितियाँ निर्मित हो जाएं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसको थोड़ा देख परख करके लीजिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा वो आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। हर एक तरफ से कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली हों, भाई बहनों से आपको लाभ होगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। एजुकेशन, कोई जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज होती हैं वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एजुकेशन से जुड़ करके कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदा देने का काम करेंगे। वीकेंड का जो टाइम रहेगा वहाँ थोड़ा आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। परिवार के सुखों का ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपकी फैमिली के अंदर का जो वातावरण होता है वहाँ पे कुछ तनाव पैदा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि आप कुछ बोलें और परिवार के लोग उसका पलट के कुछ जवाब दे दें। तो आपको स्वयं ही बैलेंस करके चलना है। माता के साथ मत उलझिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मदर के साथ में थोड़ा सा डिस्प्यूट होने का योग बनेगा। परिवार के जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं वहाँ आपको सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, छिटपुट जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं जैसे सर्दी फीवर, इस तरह की चीज़ें छिटपुट हो सकती हैं। इसके अलावा जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, कुछ तो खर्चे आपके लिए बढ़ सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग होंगे, ऐसी भी संभावना बन सकती है कि जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से कहीं दूर जाना पड़ जाए, ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई हैं। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी जो वाणी रहेगी इस टाइम पे कुंभ वालों के लिए, अपने वाणी के द्वारा भी आप बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, अपने बोल जो आपकी भाषा शैली है उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी की वजह से कोई तकलीफें नहीं पैदा होने पाएँ, क्योंकि इस तरह के योग बन सकते हैं। खर्चों के प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, अनावश्यक व्यय भी हो सकता है, ये एक समझने वाली चीज़ रहेगी जितने भी कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं। हालांकि कोई किसी से आपका वाद विवाद, कोई शत्रुता वगैरह रही होगी, तो वो वहाँ उस एरिया में आपको सक्सेस मिल सकती है।
किसी से पहले कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद इस तरह की स्थितियां रही होंगी, तो वहां पे आपको सफलता के योग भी मिल सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए चल रहा है, जो आपकी इनकम वगैरह है, इनकम के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान होकर के रहना है कि अनावश्यक खर्चे नहीं होने पाए, क्योंकि जो शुरुआत होगी आपकी वही खर्च से होगी। कुछ ना कुछ वह जैसी स्थितियाँ आपके लिए देखने को मिलेंगी, चाहे वो आप स्वयं के ऊपर खर्च कर दें, हॉस्पिटल के ऊपर खर्च कर दें, या निरर्थक जो यात्राएं होती हैं उन सब चीज़ों के ऊपर आपके कुछ पैसे खर्च होने के योग बनेंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा। वहाँ से आपके लिए थोड़े लाभ के योग निर्मित होंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन लोगों के साथ में आपके संबंधों में एक प्रगाढ़ता मधुरता आएगी, उससे आपको काफ़ी एक मेंटल पीस मिल सकती है। आप स्वयं भी काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को, बहुत आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तीन चीज़ों का आपको फायदा लेना चाहिए। जो वीकेंड का टाइम पीरियड रहेगा, सप्ताह मध्य के बाद वाला जो समय रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने वाणी का ध्यान रखिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देने का प्रयास करेंगी। तो अपने विशेष रूप से अपने फूड हैबिट को लेकर के काफ़ी अलर्ट होकर के रहिएगा। बिल्कुल जो वीकेंड का समय रहेगा वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके आपके लिए रहेगा। जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कुछ ट्रिप पे आप जा सकते हैं, जो आपके नेबर्स वगैरह हैं उनके साथ संबंधों में काफ़ी प्रगाढ़ता आएगी। कहीं ना कहीं से आपको बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए वीकेंड बहुत सपोर्ट देने का काम करेगा। जर्नीज वगैरह हो सकते हैं जो कि आपके लिए लाभ देने का काम करें। भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। जो लोग टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, वहाँ पे आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। एक अच्छी स्थिति रहेगी मीन वालों के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, थोड़ा आपको खर्चों के प्रति सजग होकर के रहना है। बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है, जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या जिनके बच्चे छोटे हैं, उन चीज़ों को भी आपको संभाल करते हुए आगे बढ़नी है। हो सकता है बच्चों के साथ में जो वैचारिक मतभेद है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलें। फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं आपकी, ट्रेडिंग वगैरह है, उसमें किसी तरह का सडन लॉसेस जैसे योग भी बन सकते हैं, तो थोड़ा इनका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसी के अलावा, इसके अतिरिक्त जितने भी मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि जो आपके खर्चे होंगे, खर्चे आपके अवश्य होंगे, और ये हो सकता है कि उसको आप अपने बड़े जो आपके भाई बहन हैं उनके ऊपर खर्च करें, या जिन लोगों के साथ में मिलकर के आप कार्य व्यवसाय करते हैं उन लोगों के ऊपर भी आप अपने पैसों का अपव्यय कर सकते हैं। तो खर्चों को लेकर के सप्ताह आप लोगों को बहुत ज़्यादा सजग होकर के रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि खर्च का जब योग बनता है तो पैसे उस समय पर जाते ही हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि खर्च को इस तरीके से आप करें कि वो कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में रहे, अनावश्यक वो खर्च नहीं हो, कहीं वेस्ट नहीं हो मनी, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है, मेष से लेकर मीन लग्न राशि वालों के लिए मिला जुला प्रभाव देगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग अपने सप्ताह को प्लान करने में आपको कुछ हेल्प मिलती होगी इस राशिफल से। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।